वैसे तो लड़कियां बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल के कोने में ये एहसास होता है कोई उनका सपोर्ट करे, कोई उनका फेवर करे। लड़कियां फ्रेंडशिप का मजा खराब नहीं करना चाहती। लड़कियों के लिए फ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों अलग अलग होते हैं। लड़कियां कहती है बॉयफ्रेंड में एक अलग स्पार्क होता है। लड़कियां ऐसे लड़कों को देखकर ही रोमांटिक सोचती है। देखो वैसे तो लड़का लड़की जब दोस्त होते हैं तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता। दोनों में एक डर होता है कहीं फ्रेंडशिप भी खत्म ना हो जाए। वैसे तो तरीके बहुत सारे हैं दोस्त को गर्लफ्रेंड बनाने के, लेकिन मैं तुम्हें फार्मूला बताता हूँ। तुम एक फार्मूले से हजारों तरीके निकाल सकते हो। देखो बातें दो तरह की होती है, बॉयफ्रेंड टॉक एंड जस्ट फ्रेंड टॉक। अगर तुम बॉयफ्रेंड वाली बात करोगे तो तुम बॉयफ्रेंड बन जाओगे, जस्ट फ्रेंड वाली बात करोगे तो जस्ट फ्रेंड बनकर रह जाओगे। यहाँ ध्यान रखना, बॉयफ्रेंड वाला कमरा पहले आता है, जस्ट फ्रेंड वाला कमरा उसके बाद। इसलिए अगर तुम लड़की से बहुत सारी बातें करते हो, हंसते हो, हंसाते हो, उसे अपनी सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ ख्वाहिशें बताते हो, अपना दिल खोल कर रख देते हो, तो दरअसल तुम इतना तेज जा रहे हो कि तुम बॉयफ्रेंड वाले कमरे से आगे निकल जाते हो और तुम जस्ट फ्रेंड वाले कमरे में पहुंच जाते हो। जब लड़की देखती है तुम तो उसके जैसा सोचते हो, तुम तो उसके जैसे ही बात करते हो, वही लापरवाही, वही सपने, वही बातें, वही हंसी उड़ा देना हर बात का, तुम उसके साथ किसी बच्चे की तरह खेल रहे होते हो, तो वो तुम्हारे अंदर अपना छोटा सा प्यारा सा दोस्त देख लेती है। ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुम ये नहीं चाहते थे। बॉयफ्रेंड लड़कियों के लिए चैलेंजिंग होता है, कुछ ऐसा जिसके साथ जुड़कर लड़की खुद को डेवलप कर सके। उसे मैच्योरिटी होना चाहिए, थोड़ा सा बड़प्पन, जो लड़की को कुछ नया सिखा सके, कुछ नया दिखा सके। लड़कियां उसी रिश्ते को पसंद करती है जिसमें थोड़ा दर्द हो, जिसमें थोड़ा टेंशन हो, जिसमें थोड़ा मुश्किल हो। तुम उसे अपनी लाइफ में जो जगह देना चाहते हो उस जगह को थोड़ा ऊपर तो उठाओ, उसे थोड़ा मुश्किल तो बनाओ। बॉयफ्रेंड पर्सनल होता है, वो लड़की से रोमांटिक बातें करता है, वो लड़की को बताता है कि उनकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी, वो लड़की से रिश्तों की बातें करता है जो लड़की को बहुत पसंद होता है। लेकिन एक नॉर्मल लड़का फ्रेंडली बनने की कोशिश में फैमिलियर बन जाता है। लड़की कहती है बॉयफ्रेंड में एक स्पार्क होता है। अगर तुम लड़की के दोस्त हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बॉयफ्रेंड बन सकते हो, अपने अंदर वो स्पार्क ला सकते हो। सबसे पहले तो लड़की को ना कहना सीखो, खुद सोचकर देखो तुम्हें कौन सी बात माननी है और कौन सी नहीं। लड़की तुम्हें बॉयफ्रेंड की नजर से भी देखे, उसके लिए तुम्हें फ्रेंडली बिहेव करना बंद करना होगा। जब तुम उसके दोस्त हो तो अपनी सारी बात बताते हो, तो अब वो करना बंद कर दो। लड़की अगर पूछे तुम बात क्यों नहीं कर रहे, क्या हुआ, तो उससे कहो तुम थोड़ी ना मेरी गर्लफ्रेंड हो। लड़की कहे एक सॉन्ग सुनाओ, तो उससे कहो मैं सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड को मेरा गाना सुनाऊंगा। देखो तुम पहले लड़की को ऐसा ट्रीट कर रहे थे जैसे वो किसी सल्तनत की शहजादी हो, लेकिन अभी तुम्हारा रूखा बिहेवियर उसे तड़पा देगी, वो सीधा तुम्हारे झोली में आ गिरेगी। देखो एक दूसरे को खो देने का डर ही प्यार का रीजन होता है। जब लड़की को एहसास होगा कि तुम उसकी जिंदगी से धीरे धीरे दूर हो रहे हो, तो उसे तुमसे प्यार हो जाएगा और वो तुम्हें खोना नहीं चाहेगी। लड़की के सामने उसके फ्रेंड से फ्लर्ट करो। देखो हमें यहाँ लड़की को जलाना नहीं है, जेलिसी हमेशा लास्ट में यूज करना चाहिए। तुम्हें फ्लर्ट करके ये दिखाना है कि तुम बॉयफ्रेंड मटेरियल हो। फ्लर्ट तब तक करना है जब तक लड़की खुद होकर ना पूछे तुम्हें कैसी लड़की पसंद है या सेटिंग करवा दो तुम्हारी। देखो बिजी होने का मतलब यहाँ लड़की को इग्नोर नहीं करना है, लड़की को यह दिखाओ कि तुम उसके अलावा भी खुश हो। जैसे लड़की तुमसे पूछे क्या कर रहे हो, तो उससे कहो मैं फ्रेंड के साथ पार्क आया हूँ घूमने, कभी मूवीज कभी हिल स्टेशन के बारे में उसे बताते रहो, उसे दिखाओ तुम उसके बिना भी खुश हो। लड़की सोचेगी तुम उसे क्यों नहीं बुला रहे हो और कौन दोस्त है जिसके लिए तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। उसे लड़ लेने दो तुम्हारे साथ फिर से जुड़ने के लिए, फिर तुम्हें पाने के लिए।